नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मीगो मित्रा में। दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट साइज का फोटो फोटोशॉप के माध्यम से कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे बनाया जाता है, 8 कॉपी का पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाया जाता है जो कि 4x6 पेपर पर इसका प्रिंट निकलता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे ही मित्र वाले हैं जो नए हैं, उनको पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं बनाना आता है और उसका बैकग्राउंड भी हटाना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों सिर्फ आपको बिना ऐप के माध्यम से कोई किसी ऐप को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फोटोशॉप के माध्यम से पासपोर्ट साइज़ बना सकते हैं। और ये फोटोशॉप के माध्यम से पासपोर्ट साइज़ का फोटो कैसे बनाया जाता है ये मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका एडोब फोटोशॉप पे है उसको ओपन कर लेना है और मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक टूल बॉक्स दिखाई देगा जो लेफ्ट साइड में, और ऊपर ये फाइल मेनू आपको मेनू बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, फिल्टर, व्यू और विंडो और हेल्प के बटन आपको दिखाई देंगे, टैब दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके सबसे पहले उस फोटो को ले लेता हूँ जिसका मेरे को पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बनाना है। तो मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक करता हूं और ओपन पे क्लिक करने के बाद में यहां पर मैं एक पीडीएफ का बना हुआ फ़ोटो है जो कि पहले का एक फ़ोटो आया हुआ मेरे पास में, और उस फोटो का मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाकर आपको बताऊंगा। तो मैंने यहां पे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है, आप कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं और उस फोटो का आप पासपोर्ट साइज़ के 8 कॉपी का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। तो मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे टूल बॉक्स पे मैं क्रॉप टूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्रॉप टूल है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऊपर ये पट्टी में इस तरह से दिखाई देगा स्क्रीन। तो यहाँ पे विड्थ, हाइट और रिजोल्यूशन लिख रखा है। तो विड्थ में आपको क्या विड्थ डालना है, 1.5 डालना है और हाइट में आपको 2 डालना है और रिजोल्यूशन में आपको 300 डालना है। तो यहाँ पर जो विड्थ है वो इंच में होना ज़रूरी है और आगे भी यहाँ पर भी पिक्सल और इंच होना जरूरी है और 300 रिजोल्यूशन में आपको यहाँ पे रखना है। फिर इस क्रॉप टूल के माध्यम से फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है ऐसे खींच के नीचे। तो मैं यहाँ से फ़ोटो को ये क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद में जितनी ज़रूरत हो उतना क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने के बाद में आपको एंटर की प्रेस करना है, एंटर की प्रेस कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर लेता हूँ, एंटर दबाना है, एंटर दबा दिया है। एंटर दबाने के बाद में इस पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद में कंट्रोल और ए को एक साथ दबाना है, फिर कंट्रोल और टी को एक साथ दबाना है और दबाने के बाद में कॉर्नर से माउस का पॉइंटर रखना है कॉर्नर पर और यहाँ पे माउस का पॉइंटर को दबा लेना है और अल्ट के साथ में इसको नीचे खींचना है, अल्ट के साथ में इसको नीचे खींच लेना है और जितनी ज़रूरत हो उतना खींच लेना है। फिर उसको दोनों को एक साथ में छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में आपको एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करने के बाद में आपको एडिट मेनू पर क्लिक करके आपको नीचे आके स्टॉक पे क्लिक कर लेना है। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप विड्थ में 2.5 या 3 डाल सकते हैं और इस 2 डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 डाल लेता हूँ और 3 डालने के बाद में यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी बॉर्डर रखना चाहते हैं वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ ओके कर लेता हूँ और ओके करने के बाद फिर यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको लोकेशन दे रखा है, आपको बॉर्डर इन साइड में रखना है या बॉर्डर को सेंटर में रखना है या आउटसाइड में बॉर्डर को रखना है। तो यहाँ पर आपको आउटसाइड में ही बॉर्डर को रखना है और यहाँ पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में आपको कंट्रोल और डी को एक साथ दबाना है, फिर कंट्रोल और ए को एक साथ में दबाना है, फिर आपको एडिट मेनू पर आना है और सबसे नीचे आके यहाँ पर देखना है, आपको डिफाइन पैटर्न दिखाई देगा। तो यहाँ पे डिफाइन पैटर्न पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद में फिर मैं फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद में मैं न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ 4x6 की, और मैंने यहाँ से 4x6 की साइज़ को सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैं यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर इमेज पर क्लिक करने के बाद में रोटेट कैनवास पर क्लिक कर लेता हूँ और 90 CW पर क्लिक करना है और इसको लैंडस्केप कर लेना है। लैंडस्केप करने के बाद में आपको यहाँ एडिट पर जाना है और एडिट में आपको फील दिखाई देगा, फील पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूज में पैटर्न रखना है और उसके बाद में कस्टम पैटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे आना है और सबसे लास्ट वाला जो फोटो है उस पर क्लिक कर लेना है और इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में आपके सामने ये 8 कॉपी का पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको दिखाई देगा जो कि 4x6 पेपर पर 8 कॉपी प्रिंट होगी। तो इस तरीके से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट करने के लिए आप फाइल में जाना है
और प्रिंट विथ प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। और एप्सन प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, एप्सन प्रिंटर यूज़ करने वाले हैं उसकी सेटिंग बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग प्रिंटर की अलग अलग सेटिंग होती है तो उस हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। पेज पे क्लिक करना है, पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4:6 को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लैंडस्केप सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ स्केल साइज 100% दे रखा है, उसके सामने स्केल टू फिट मीडिया पे क्लिक करके इसको फोटो को फिट कर लेना है और फिट करने के बाद में इसको प्रिंट पे क्लिक कर लेना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से प्रिंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे 4:6 पर क्लिक कर लेता हूँ। 4:6 पर क्लिक करने के बाद में पेपर टाइप है प्लेन पेपर है तो यहाँ पे प्लेन पेपर नहीं रखना है, यहाँ पर इसमें से आप अल्ट्रा एप्सन अल्ट्रा गैलोसी रख सकते हो, एप्सन प्रीमियम गैलोसी रख सकते हो, तो यहाँ पे अल्ट्रा गैलोसी रखना है और इस ओके अल्ट्रा गैलोसी रखने के बाद में आपको कलर पे क्लिक कर लेना है, क्लिक है तो ओके है नहीं तो कलर पे क्लिक करके इसको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ से आप ओके करके इसको प्रिंट दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बना सकते हैं, वो भी 4:6 की साइज़ में, और किसी भी ऐप की ज़रूरत नहीं है, बिना ऐप के माध्यम से फ़ोटोशॉप के माध्यम से पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो ई मित्र का काम कर रहे हैं या फोटो स्टूडियो का काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे हटाया जाता है। तो दोस्तों बैकग्राउंड है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका बैकग्राउंड आप किस तरीके से हटा सकते हैं, तो एक ही मिनट में आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बिना बैकग्राउंड का है जो फोटो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसका मैंने बैकग्राउंड पहले ही हटा दिया था। तो इसका दो माध्यम है दोस्तों, दो माध्यम से आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, एक ही सेकेंड में आपको हटाना है, वो भी आपको मैं जो कि रास्ता दिखाऊंगा, और आप आराम से इसका कटिंग करके भी हटा सकते हैं, बिल्कुल क्रॉप कट करके जो टूल से उसके माध्यम से भी हटा सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड आप पीछे से हटाकर पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।